नमस्कार बच्चों, हम भारत देश की उन्मुक्त हवा में जी रहे हैं। किनके कारण? जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के कारण। ऐसे वीर जवानों और सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। झांसी की रानी कविता आपने सुनी। आपके हृदय में भी जोश के साथ देशभक्ति की भावना हिलोरे ले रही होंगी। झांसी की रानी कविता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इस कविता में उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा को प्रस्तुत किया है। यह वीर रस की कविता जिसमें यह बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने स्वदेश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। जब भी नारी वीरता या नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का नाम लिया जाता है। वे ऐसी वीरांगना थी जिनकी प्रशंसा उनके शत्रु भी करते थे। कविता पढ़ने से पूर्व हम कवित्री का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ। वे कवयित्री और लेखिका थी। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण हुई। उनका जन्म इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी अग्रणी रूप से सहयोग देती रहीं और साथ ही विधानसभा की सदस्य भी रहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कृतियां निम्नलिखित हैं। कहानी संग्रह बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, कविता संग्रह मुकुल, त्रिधारा, प्रसिद्ध पंक्तियाँ, जीवनी मिला तेज से तेज, कविता झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की महिमा गाते हुए उस समय की यानी 1857 का परिदृश्य प्रस्तुत किया गया है कि जब अंग्रेजों की कुटिल नीति से तंग आकर सभी राजाओं ने एकजुट होकर अपने राज्य के लिए संग्राम का आगाज किया और अपनी खोई आज़ादी को पाने का प्रयास किया और तभी यह तलवार चमक उठी यानी बूढ़े भारत में जवानी की लहर यानी आज़ादी की लहर उमड़ पड़ी और ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई उनका उस संग्राम का हिस्सा थी और उनकी वीरता का वर्णन करते हुए बुंदेलखंड की हरबोला जाति ने कहा है कि वह वीर पुरुषों की भांति युद्ध क्षेत्र में लड़ी थी। अगला अंतरा कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वसंतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी उसको याद जबानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवित्री यहाँ रानी लक्ष्मीबाई का परिचय देते हुए कहती हैं कि उनका बचपन कानपुर के नाना साहब के साथ बीता और उन्हें
वे प्यार से छबीली कहते थे और उनके साथ उन्होंने पढ़ाई के साथ बर्छी, कृपाण, कटारी सभी अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे। वे अपने पिता यानी महाराजा मोरोपंत की इकलौती संतान थी। उन्हें वीर शिवाजी की गाथाएं मुँह जबानी याद थी और वे उन्हीं से प्रेरित होकर अपनी वीरता प्रदर्शित करती थी। वीर हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाइयां खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ विवाह का प्रसंग दर्शाया गया है। रानी का विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। वह रानी बनकर झांसी आ गई। राजमहल में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और वीरता और वैभव की सगाई यानी वीरता लक्ष्मीबाई की वीरता और वैभव गंगाधर राव जी का ऐश्वर्य दोनों ही ऐसे लग रहे थे जैसे राजमहल में आभा चमक उठी हो और लग रहा था जैसे अर्जुन ने चित्रा को पा लिया और शिव ने भवानी को पा लिया। और यही दर्शाया गया है कि किस तरह से रानी अपने सुख जीवन में समाने लगी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई, ने सत्तान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के हरबोला जाति जो कि रानी की कहानी सुना रही है, वे बता रही है कि किस तरह से झांसी में आने पर उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका सौभाग्य उदय हो गया और महल में चारों तरफ प्रसन्नता छा गई, किंतु पीछे पीछे काल की गति ने चारों तरफ दुखे बादल मंडरा दिए, यानी दुख उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच गया। और तीर चराने वाले हाथों में ये चूड़ियाँ जो उन्होंने पहनी वह उन्हें नहीं भाई और उन्होंने अपनी वीरता प्रदर्शित करने के मन में ठानी। रानी विधवा हुई यानी गंगाधर राव जी मृत्यु को प्राप्त हुए और वे निसंतान ही थे। ऐसा दृश्य देखकर यह कविता की कवयित्री कह रही है कि विधि को भी दया न आई और रानी शोक में चली गई। इस तरह की दृश्य देखकर रानी लक्ष्मीबाई भी मन में दृढ़ता ठान लेती है और इसी कविता का अनवरत आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।